नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पे दोस्तों आपके अनुरोध पे आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर कमर में दर्द है या काठिया रोग से परेशान है तो आप किस तरह की दवा घर में बना के खा सकते हैं बहुत आसान तरीका है दोस्तों क्या क्या लगेगा वो मात्रा आपका आपको मैं बताऊंगा दोस्तों दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें रेड कलर का बटन इसे दबा के आप सब्सक्राइब करें बाजू में एक बैल उसे भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें शेयर करें और सब के सब इस दवाई से लाभ उठाएं बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों आप भी खा सकते हैं क्या क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ ये देखिए ये है अश्वगंधा देखिए ये अश्वगंधा है ये इसके अलावा जो है ये देखिए ये है सफेद मूलछी है ये ये देखिए ये, ये सफेद मूलछी है ये देखे। ये देखे। ये सफेद तो इसको तोड़ेंगे तो देखिए इसमें से एक ऐसे जो है हल्का सा जो है गड्ढा टाइप दिखाई देता है इसमें तो ये है सफेद मुलछी सामग्री ध्यान से आप सुन लीजिए ये है सफेद मुल्छी ये है अश्वगंधा और ये है पुराना गुड़ ये पुराना गुड़ है और ये है जायफल जायफल आपको मिल जाएगा मसाले की दुकान में और यह है शतावरी देख लीजिए ये शतावरी कैसी दिखती है दोस्तों ये शतावरी है तो हमें करना यह है कि हमें ये तीन चीजों को ये अश्वगंधा सफेद मुल्छी और शतावरी इन तीनों को बराबर मात्रा में लेना है जैसे कि हम 25 25 ग्राम मात्रा में ले ले पच्चीस ग्राम ये पच्चीस ग्राम ये पच्चीस ग्राम ये इसका जो है आप पाउडर बना लें और पाउडर बना के जो है आप जो है एक चाहे तो आप जो है सूखे जो है मतलब एक ग्लास में आप जो कांच का जो बर्तन होता है उसमें रख सकते हैं पैक करके अच्छे से रख दीजिए जब आपको खाना हो तब आप दवाई बना सकते हैं तो दवाई बनाने के लिए आपको ये तीनों मिले हुए बराबर अब इसमें जो है हमें ये पाउडर भी मिलाना है इसका जी दोस्तों पाँच ग्राम करीब इसका पाउडर मिलाना है आपको इन तीनों के साथ ये देखिए गुड़ आपको नहीं भर मिलाना है गुड़ आपको जब खाना होगा तभी आप मिला सकते हैं लेकिन इसमें जो है हमें ये जो है जायफल जो है मिलाना है पाँच ग्राम जायफल डालना है बाकी ये पच्चीस ग्राम पच्चीस ग्राम ये पच्चीस ग्राम ये पच्चीस ग्राम ये और ये पाँच ग्राम जायफल तो इन सब का पाउडर बना के एक ही इसमें रख लीजिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए फिर से मैं आपको नाम बता देता हूँ दोस्तों ये अश्वगंधा देखिए यह है सफ़ेद मूलची चतावरी इसके अलावा जायफल ये सब बराबर मात्रा में होना चाहिए और गुड़ पुराने से पुराना गुड़ हो आपके पास दस साल पाँच साल पुराना गुड़ बहुत फ़ायदा करेगा तब आप जब भी आप खाना चाहें जैसे ये ख़ास तौर से आप जब आपको सर्दी बहुत लग रही हो ठंड ज़्यादा लग रही हो जोड़ों में दर्द ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल करें गर्मी के दिनों में बिल्कुल ना करें क्योंकि जो है आप ठंडी के दिनों में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है जोड़ों का दर्द है वो नहीं होगा तो आपको हर रोज़ एक गोली खानी है तो आप गोली बना गुड़ के साथ मिला के आपको बनाना है तो गुड़ आप अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मीठा ना करें अगर ये पच्चीस पच्चीस ग्राम लिया हुआ है तो करीब जो है पच्चीस ग्राम जो है पच्चीस से पचास ग्राम जो है आप गुड़ ले लीजिए और इसको अच्छे से स्मेश करके पाउडर को अच्छे से मिला लीजिए इसके बाद जो है आप एक काबुली चने के बराबर जो है आप एक एक गोली बनाइए सुबह शाम आपको एक एक खाना है जहाँ दोस्तों सुबह शाम एक एक दिन एक एक खाना है और कोशिश ये करें दोस्तों कि जो है ठंडी के मौसम में आप खाएं गर्मी के मौसम में ना खाएं गर्मी के मौसम में अगर आप खाना भी चाहते हैं तो दो से तीन दिन का गैप रखें क्योंकि बहुत गर्म होता है तो दोस्तों ये सामग्री को अच्छे से मिला लीजिए और चने के बराबर जो है आप इसके गोले बनाए और इसे ले हाथ पांव कमर का दर्द घुटनों का दर्द इससे राहत मिलेगी आपको तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए नमस्कार जय हिंद